और फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियर्स प्रो। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो रिक्तियाँ थी 550 अमीन की, उसका रिजल्ट आज, उसका परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। और सभी कैटेगरी का जो परिणाम है वो अलग अलग पीडीएफ के माध्यम से दे दिया गया है। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरा प्रोसेस जो है करके अब दिखाएंगे कि कैसे आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर अन्यथा अगर उस प्रोसेस से भी आपका डाउनलोड नहीं होता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस कैटेगोरी से, उस कैटेगोरी वाइज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें आप गूगल खोलने के बाद आपको सर्च करना है वहाँ पे सिंपल सा। आप LRC भी सर्च कर सकते हैं या फिर DLRS भी सर्च कर सकते हैं, DLRS सर्च कर सकते हैं या फिर सिंपल सा LRC सर्च करना है। ठीक है, दिख रहे हैं LRC को टच करना है, जैसे LRC है इसको इसको टच करना है। तो इसको टच करेंगे तो हमारा जो है LRC का जो है ऑफिशियल साइट वो खुल जाएगा। और उसके बाद जो नीचे लिंक दिख रहा है उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको जो देख रहे हैं ये खुल गया है ऑफिशियल साइट LRC का, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऊपर देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। उसके बाद जो नोटिस बोर्ड दिख रहा है आपको, नोटिस बोर्ड दिख रहा है इसके इसके ऊपर में देखिए दिख रहा है, आपको क्लिक इस पर करना है। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन देगा, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक लिंक आएगा। ठीक है, लिंक जैसे ही आता है लिंक को क्लिक करना होगा। देखिए लिंक आ गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या इतना पद अमीन का नियोजन सूची का प्रकाशन। ठीक है, काइंडली सी रिजल्ट एट दिस लिंक, इस लिंक को आपको क्लिक करना पड़ेगा डाउनलोड करना है तो। ठीक है, तो इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को चूज करेंगे, क्रोम ब्राउज़र चूज करने के बाद देखिए इसका जो पेज है DLRS का, डायरेक्ट DLRS पे आ जाएगा या फिर डायरेक्ट आप DLRS पे भी देखिए यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट जो है दे दिया गया है यहाँ पर। तो रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये अमीन प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट अंडर अनरिजर्व कैटेगोरी जनरल वालों का है। व्यू फाइल पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करके देखना पड़ेगा, इसमें BC कैटेगोरी का है, इसमें EBC कैटेगोरी का है, वही EWS कैटेगोरी का, SC कैटेगोरी, ST कैटेगोरी है, WBC का भी है, PH फिजिकली हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, सब कैटेगोरी का जो है अलग अलग रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है। अगर फिर भी यहाँ से आपके मोबाइल में ये फाइल नहीं खुल पाता है डाउनलोड करने के बाद, तो सारे PDF को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना सिंपल प्रक्रिया है 550 अमीन का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए, 550 अमीन का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और एक चलिए एक PDF को खोल कर दिखा देते हैं रिजल्ट के बारे में। देख सकते हैं ये PDF जो है यहाँ पे आप अमीन प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट अंडर BC कैटेगोरी है। ठीक है, तो इसमें जो है BC कैटेगोरी में टोटल 66 लोगों का लिस्ट दिया गया है। लास्ट में देख सकते हैं पहले आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद नाम है, कैटेगोरी दिया हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर दिया हुआ है, डोमिसाइल कहाँ है आपका, बिहार से या बिहार के बाहर है, फ्रीडम फाइटर है या नहीं है, फिजिकली है या नहीं है, किस टाइप का फिजिकली है तो। ठीक है, पॉइंट आपका दिया हुआ है, उसके बाद किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन किया गया है वो जो है लास्ट वाले कॉलम में दिया हुआ है। उस PC कैटेगरी में 66 लोगों का चुनाव किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फ़ोन जो है इस तरह आपका PDF जो है ओपन नहीं कर पा रहा है तो फिर। ठीक है, तो टोटल प्रोसेस था कि कैसे आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। इस तरह का जो भी तमाम जो भी प्रोसेस होगा रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, ताकि आपके लिए मैं हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहूँ पहुँचाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।